नमस्कार बच्चों, फर्स्ट इन क्लास से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 देखा, जिसका शीर्षक था सोने का हिरण। इस वीडियो में हमने समझा था कि रावण ने मारीच के साथ मिलकर छल कपट का सहारा लिया और सीता का हरण किया। हमने ये भी देखा कि सीता ने लक्ष्मण को जंगल में क्यों भेजा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बाल राम कथा का अध्याय 8, जिसका शीर्षक है सीता की खोज। रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। दूसरी ओर लक्ष्मण राम को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहे थे। आखिरकार लक्ष्मण राम को ढूंढ लेते हैं और राम को सारी बात बताते हैं कि उन्होंने राम की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। राम लक्ष्मण को अब समझ में आ जाता है कि ये किसी राक्षस की चाल है। दोनों कुटिया की तरफ आकर देखते हैं, लेकिन सीता वहां नहीं थी। जंगल में राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हैं। सीता को खोजते हुए जंगल में राम को सीता के आभूषण नजर आते हैं। राम समझ जाते हैं कि सीता का किसी राक्षस ने हरण किया है। फिर वो उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में उन्हें सीता के आभूषण मिले। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें विशालकाय गिद्ध जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं। जटायु ने राम को सारी बात बताई कि रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया है। इस तरह राम को ये पता चलता है कि सीता का हरण रावण ने किया है। अब राम और लक्ष्मण लंका की तरफ चलते हैं। जंगल में उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जंगल में कबंध नाम का राक्षस राम पर हमला करता है। ये देखकर लक्ष्मण तुरंत ही कबंध राक्षस के दोनों हाथ काट देते हैं। इतना साहस देखकर कबंध राक्षस उनसे पूछता है कि आप दोनों कौन हैं? राम उत्तर देते हैं कि हम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। राम उसे बताते हैं कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है और वो सीता की खोज में निकले हैं। ये सुनकर कबंध राक्षस कहता है कि मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, मगर उपाय जरूर बता सकता हूँ। उसने राम को बताया कि पंपा सरोवर के पास सुग्रीव रहते हैं, आप उनके पास जाएं, वो अपनी बानर सेना के साथ मिलकर सीता की खोज में आपकी मदद जरूर करेंगे। कबंध राक्षस ये भी बताता है कि पंपा सरोवर के पास ही मतंग ऋषि का आश्रम भी है। ये सब सुनकर राम लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, जहां उन्हें शबरी भी मिलती है। शबरी लंबे अरसे से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। राम के दर्शन से उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। राम ने सीता के संबंध में शबरी को बताया कि रावण ने किस तरह से सीता का हरण कर लिया है। शबरी लंका से सीता को लाने के लिए एक सुझाव देती है और कहती है कि आप सुग्रीव के पास जाएं, क्योंकि उनके पास विलक्षण शक्ति के वानर हैं, वो आपको सीता तक पहुंचाने में मदद जरूर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि राम को किस तरह से सीता हरण के बारे में पता चलता है और उन्हें ये भी सुझाव मिलते हैं कि वो लंकापति रावण तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगली वीडियो में हम अध्याय 9 को देखेंगे, जिसका शीर्षक है राम और सुग्रीव। फर्स्ट इन क्लास के अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।